अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन राउंड सैंडविचेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने रमज़ान अपनी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड के 16 स्लाइस, इस तरह से राउंड शेप में कट होने चाहिए। 300 ग्राम हमें चाहिए चिकन, जो कि बॉईल होना चाहिए। आपने इसे नमक डाल के बॉईल कर लेना है और फिर इस तरह से रेशा करना है। 2 आलू को क्यूब्स में आपने कट करके बॉईल करना है, नमक डाल देना है और उसमें बॉईल करके इस तरह से आपने निकाल लेना है। 2 टीस्पून हमें मैदा चाहिए, 2 अनियन चाहिए हमें चॉप, 1 शिमला मिर्च चाहिए जिसको हमें छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है इस तरह से, और 1 मग हमें चाहिए मिल्क का। तो चलिए चलते हैं फिलिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज चॉप हुई हुई। आप देख सकते हैं इस वक्त मीडियम फ्लेम है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही लो कर दूँगी क्योंकि हमने इसे ब्राउन नहीं करना है। इसी पॉइंट पर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी मैं। अब देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम कर दी है, बहुत हल्की फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। बिल्कुल भी ये बर्न ना हो, साइड से भी आप हटाते रहिएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत लो फ्लेम पर कुक करना है, ज़रा सी भी हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून ऑफ मैदा, आप देख सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स ना रहे, इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। और इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क 1 कप। अब आपने इसको अच्छे से लो फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना रहे। और इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, जो कि बॉइल्ड हैं, और इस स्पैचुला की हेल्प से आपने इसे थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है, पूरा मैश नहीं करना, थोड़ी मोटी भी होना चाहिए और थोड़ा मैश भी होना चाहिए। जिस तरह से मैंने किया कर रही हूँ मैं, आप बिल्कुल सेम यही रखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी भी। अब आप देख सकते हैं कि फ्लेम थोड़ी लो कर दी मैंने, क्योंकि इस वक्त जो ये वाइट सॉस है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, अच्छा खासा ये थिक हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन ऐड करने के बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें और कोई चीज़, जैसे आप अगर चीज़ लाइक करते हैं तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। व्हाटएवर यू लाइक यू कैन ऐड इन इट। एंड अब मैं इसमें, मुझे थोड़ा ये नमकीन लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डाली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और ऐड की है। तो अब मैं इसको, देखें आप जैसे देख सकते हैं कि ये फ्राई पैन को इसने छोड़ दिया है फिलिंग ने, तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे उतार रही हूँ, बस फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये फ्लेम ऑफ हो गई। अब आपने इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट बाद। तो व्यूवर्स, यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ मेरी फीलिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो यहाँ आपने इस तरह से कट करनी है ब्रेड, अगर आप चाहें तो नहीं भी कट कर सकते, आप इस तरह से भी विदाउट कटिंग भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें केचप, मायोनीज, चीज़ या कोई भी सैलड ऐड कर सकते हैं। मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना था, मैं ज़्यादा सैलड नहीं खाती तो मैंने यहाँ पर सैलड ऐड नहीं की। आप चाहें तो आप केचप, मैनीस कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये इवनली इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए इसमें कुछ नहीं लगाया क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी खुद ही इतनी अच्छी होती है कि किसी और चीज़ की नीड नहीं रहती। तो इस तरह से सब कुछ, सारे स्लाइसेस में फिल कर लेंगे और फिर मैं इसे करूँगी टोस्ट। आप चाहें तो विदाउट टोस्ट भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है फ्राई पैन में और इस तरह से इसे लो फ्लेम पर टोस्ट करना है। और जब ये लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम चूल्हे से उतार लेंगे।
आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देख लीजिए मैंने डिश आउट कर लिया और यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल लाइट सैंडविचेस होते हैं, आप इसे अपनी अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।